गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आपका भी चौमन में अच्छा होगा। मजा खेत आज लग रही है, खेत में मटर में दवा। तो चलते हैं, दिखाऊंगा आज मटर कैसी है, हमारी कैसी नहीं है, पूरी सब कुछ दिखाऊंगा मटर में। मैं आधे रास्ते पहुंच चुका हूँ खेत की तरफ, और आज हवा काफ़ी तेज चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज, कल से भी ज़्यादा तेज ऐसे चल रहा है, जैसे तूफान सा चल रहा है बहुत ज़्यादा। और धूप निकली है बहुत अच्छी, और क्या कहते हैं, हवा ने तो भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ दिया है कल से, तो ज़्यादा तेज़ चल रही है वो, बहुत तेज़। गाइस जो ये हवा चल रही है, ये हवा ऐसी है कि भाई पूरे फसल को सुखा देगी, नमी जो खेतों में है वो भी सुखा देगी, मटर जो है उनको भी सुखा देगी। इतनी तेज़ हवा चल रही है, और हवा चल रही है इसको बोलते हैं हवा, इसको बोलते हैं हवा, तो हवा तो हवा ही है। गाइस एक खेत में दवा लग चुकी है, मुझे दिखाई दे रहा है लगभग लग ही चुकी है, और एक टैंक लग चुका है, अब लगेगी दूसरे खेत में टैंक, फिर से भरा जाएगा, फिर से दवा फिर बोली जाएगी, फिर से लगेगी। और दवा लग रही है फली जो पतली रहेगी, उसमें तो सार मात्रा रहेगी थी, तो सार से जो फली पतली हो गई चिपट रही है, और जो फली मोटी नहीं हो रही उस चीज़ की दवा लग रही है। और मैं दिखाऊँगा आपको ये दवा लगाने वाले कितने लोग हैं। खेत पर इंजन लगा है, यहाँ से पानी भरा जाता है और ट्रैक्टर बो रहा, और दवा देखो वो लग रही है, चाचा लगा रहे हैं दवा खेत में, और पाइप पकड़े हैं बिनो चाचा पीछे, और यहाँ से भरा गया था इंजन से पानी, वो टैंक में ट्रॉली में रखा है टैंक। बाबू भैया पाइप खींच रहे हैं, पापा पकड़े हैं, और दो चार छः लोग हैं, वो दवा लग रहा है स्प्रे, और हवा काफ़ी तेज है, तो हवा से फुब्बारा गो है, प्रेशर वो उड़ रहा है बहुत ज़्यादा, और मुझे कहने पड़ रहा है ट्रॉली में से ये पाइप, ये पड़ा है ट्रॉली में पाइप पूरा, और ये रखा है टैंक। मैं आया था घर से तो मशीन की जो रबड़ थी वो कट चुकी थी, तो नई रबड़ डाली थी मशीन में, और अब लगी है दवा खेत में शुरू हुई है, और हवा से जो फुब्बारा है वो काफ़ी तेज़ उड़ रहा है, और फुब्बारा क्या है कि वो प्रेशर बना रहा है, लेकिन वो हवा से बहुत ज़्यादा दवा की हवा का प्रेशर है, वो दवा जो उड़ रही है, और छह लोग हैं दवा लगाने के लिए। और इसमें क्या है कि जो फली है वो सूख रही है, और मटर जो है फूल जो है वो फली नहीं बन पाई थी मौसम ठंडा रहने के कारण, तो उस चीज़ की दवा इसमें लग रही है, फंगस की शिकायत आ रही है खेतों में, जो फफूंदी है वो फफूंदी की शिकायत आ रही है, तो उसकी दवा भी है। ये है मशीन जो चल रही है, इसकी रबड़ कट गई थी तो इसकी रबड़ डाल दी है, अब पानी नहीं निकल रहा, पहले पानी निकल रहा था, उससे ये बाल्टी रखनी पड़ती थी नीचे। ये है ग्रीस, ये ग्रीस लगा के रबड़ चढ़ाई गई थी, इसको कर देता हूँ बंद। दोबारा से फिर चल दिए हैं दवा के लिए लगाने के लिए, वो देख रहे हो कितना तेज़ फुब्बारा लग रहा बन रहा है, लेकिन हवा से आगे तरफ बढ़ नहीं रहा फुब्बारा, पीछे कोई लौट रहा है। बोली चुकी है दवा, और इसमें से आ रही है ऑरेंज की खुशबू, बहुत अच्छी महक आ रही है इसमें से यार, और देख रहे हो ऐसा लग रहा है नींबू पानी था गोल रखा है। पाइप मैंने सारा खींच दिया ज़मीन पर, और ये पड़ा है पाइप, और वहाँ तक काफ़ी लंबा पाइप है, ये उस कोने तक जाएगा, ये मटर अपनी, ये भी मटर अपनी, और वहाँ तक जो आगे तक दिख रहा है रोड तक, वो सारी मटर अपनी है। इतनी दूर से कितने छोटे छोटे लग रहे हैं दवा लगा रहे हैं तो, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये देख रहे हैं आप सारी लिपस्टिक कट चुकी है, पूरा बैठा था 75 लिपस्टिक और 75 लिपस्टिक खड़ी हुई थी, और ये पूरा, और ये गेहूँ तोड़ दिए हैं कल, पौधा जो गिरा है लिपस्टिक का वो उसने शरा, और अब आ चुके हैं हम इस खेत में दवा लगाने के लिए, ये हमारी मटर भी तोड़ दी उन लोगों ने, और वो दवा लग रही है वहाँ पर, दूसरे खेत में पहुँच चुके हैं, और टैंक देखो कितना भरा हुआ है, ऊपर तक भरा हुआ है, और हवा से बहुत ज़्यादा दवा उड़ रही है, तो पौधे पर जानी चाहिए उस तरीके से जा नहीं रही। गैस आधे से ज़्यादा खेत में लग चुकी है दवा,
खेत के में लग चुकी है दवा, मटर में हो चुका छिड़काव और अब सब लोग जगह चले गए घर। मेरे साथ है लोंडे दो, एक मोहित, अब आए मटर रखाने क्योंकि शाम को कौवे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं इसलिए और देखना पड़ता है। तो आप खेत की तरफ आएँ। चूजा देखो वही वीडियो के लिए बहुत उतावला, तो मटर में ही भागा जा रहे हैं कि मैं कैमरे में आ जाऊँ। चल ले कैमरे में आ तो गया तो बस खुश है। गैस मटर में लगी थी फंगीसाइड की दवा और इसमें था क्योंकि इसमें फफूंदी की शिकायत आ रही थी, तो उसकी दवा लग चुकी है और दवा सूख चुकी है पूरी तरीके से। इसकी दवा लगी थी जो मटर सूख रही है इस तरीके के पत्ते जो हो रहे हैं उस तरीके के लिए दवा लगी थी क्योंकि इसमें क्या के थोड़ा सूख रही है मटर, इस चीज़ की दवा इसमें आज छिड़काव किया गया है और फूल भी ख़त्म हो गया है और चूसा देख रहा है इसकी शक्ल। पहले मैं दिखाता हूँ इस लोंडे को, देखो कितना उदमी है, बहुत ज़्यादा उदमी है और इसने आज मुँह भी नहीं धोया, सुबह से स्कूल गया ऐसे ही काजल लगा के है। आज जो दवा का स्प्रे किया था वो इसलिए किया था क्योंकि ये फली जो ख़राब हो रही है और वो देख रहे हो आप इसको नीचे नीचे जो फली का वो है ये देखो इस तरीके से ये सब ख़राब हो रही है, इस चीज़ की आज दवा लगाई हुई है पूरा और इससे क्या दवा से क्या रुक जाएगा ये फंगी, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, पूरी फली सड़ जाएगी जैसे कि इंसान के दांत सा हो जाता, खुजली हो जाती है एलर्जी टाइप में, इसी तरीके से फसल में भी हो जाती है। लड़के वहाँ से लेके सारी मटर अपनी है और ये है यहाँ देखो पूरा फूल, इस खेत में तो पूरा फूल जा चुका है और अब ये हो गई है 90 से 100 दिन के बीच के आसपास हो चुकी है मटर और इसमें अभी फूल बरकरार है। ये स्कूल से आ गया है और ये स्कूल से आने के बाद ना पढ़ा है ना लिखा है, लेकिन आने के बाद सीधे खेत पे आया मटर रखाने और देखो कटीले तारों को खींच रहा है और इसके लग जाए हाथ में तो तेरे फट जाएंगे, और मुँह भी नहीं धोया नाक निकल रही है बाहर अबे। गैस मैं जा रहा हूँ घर और हो चुकी है शाम, तो मैं वीडियो करता हूँ ये एंड। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।